ये हैरानी वाली बात है कि बिग बैंग की घटना को वैज्ञानिक अब जाकर 20वीं सदी में समझ पाए, जबकि वेदों में इसकी जानकारी करीब 3000 साल पहले ही दे दी गई थी। ऋग्वेद में लिखा है कि यूनिवर्स की शुरुआत एक ऊर्जा बिंदु के धमाके के साथ हुआ था। अगर आप इस बात को नए जमाने के नजरिए से देखें तो ये आधुनिक विज्ञान की बिग बैंग थ्योरी जैसी बात लगती है, जिसमें यूनिवर्स की शुरुआत एक धमाके के साथ हुई थी। वेदों के बारे में कहा जाता है कि वेदों को कभी बदला नहीं गया, देवताओं के पहले से ही वेद हमारी पृथ्वी पर विद्यमान है। आधुनिक विज्ञान जगत की कई जानी मानी हस्तियों ने वेदों को पढ़ा था, श्रोडिंगर, कोपेनहेगन, टेस्ला, यहाँ तक कि आइंस्टीन ने भी वेदों को पढ़ा था। वेदों के रचयिता वेद व्यास को विष्णु का अवतार माना जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि व्यास धरती पर इस वैदिक ज्ञान को लिखने तथा इंसानों को ज्ञान देने के लिए आए थे। तो क्या ऐसा हो सकता है कि व्यास दूसरे ग्रह से इस मकसद से आए थे कि इस ग्रह के जीवों को जानकारी दे सकें? क्या यह सच है कि व्यास एलियन थे जो ब्रह्मांड निर्माण की जानकारी हजारों साल पहले ही वेदों में लिख कर गए थे?